गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसन में ऐसा क्या मिलाएं जिससे कि आपके चेहरे की झाइयां, झुर्रियां, काले दाग धब्बे हट जाए और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा निखरा और बेदाग हो जाए। फ्रेंड बेसन तो हमें पता है कि बहुत ही अच्छा क्लिंजिंग का काम करता है और इसमें हम ऐसी दो चीज़ें मिलाएंगे जो कि हमारे चेहरे से झाइयां, झुर्रियां, काले दाग धब्बों को हटाएगा और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा निखरा और बेदाग करेगा। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि बेसन में ऐसा क्या मिलाएं जिससे कि आपका चेहरे की झाइयां, झुर्रियां, काले दाग धब्बे रिमूव हो और आपके चेहरा काफ़ी ज़्यादा गोरा निखरा और बेदाग हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें चाहिए आलू। आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्रेंड आलू हमारे जो झाइयाँ होती है या काले दाग धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं या पिंपल्स के बाद अक्सर हमारे फेस पे जो है पिंपल्स के मार्क्स रह जाते हैं, ये उसे रिमूव करता है और ये चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा बनाता है क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन वाइटनिंग, लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि चेहरे के दाग धब्बे हटाकर चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा बनाता है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे हम छील लेंगे और इसका सारा जूस हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने आलू को अच्छे से छील लिया है, अब हम इसे किसी ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे। और फ्रेंड जो हमने बेसन लिया था उसमें हम डाल देंगे पोटैटो जूस और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कर्ड यानी कि दही। दही भी लैक्टिक एसिड होता है, ये भी हमारे चेहरे को गोरा निखरा और बेदाग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा पैक तैयार है। आप इसे एज अ फेस वॉश की तरह भी लगा सकते हैं। पहले अपने फेस को हल्के से आप गीला करें और हल्के से अपने फेस पे लगाएं और 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद इसे वॉश कर दें। तो चलिए अब मैं इसे अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले इसको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आप इसे फेस वॉश की तरह यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से अपने फेस पे इसे लगाएं और 1 से 2 मिनट तक मसाज करें और नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश करें। और अगर आप इसे फेस पैक की तरह लगा रहे हैं तो जैसे आप नॉर्मल फेस पैक लगाते हैं वैसे ही आपको इसे लगाना है। जब ये सूख जाए, जब ये सूखना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे हल्का सा गीला कर लें और अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करें 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर दें। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि बेसन में ऐसा क्या मिलाएं जिससे कि आपके चेहरे के जो डार्क स्पॉट्स हैं, काले दाग धब्बे हैं या आपके फेस पे झाइयां हैं तो वो भी रिमूव हो जाए। फ्रेंड आलू एक बहुत ही अच्छा काम करता है हमारी झाइयों को और काले दाग धब्बों को, डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए और ये साथ साथ हमारे चेहरे के कलर को लाइटन, ब्राइटन एंड वाइटन भी करता है। इससे पहले मैंने एक आलू के जूस में मैंने लेमन जूस मिलाया था जिससे कि आपके जो झाइयां थी वो धीरे धीरे हल्की हो गई और काफ़ी लोगों को उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। तो फ्रेंड इस रेमेडी को आपको रोज एज अ फेस वॉश की तरह, एज अ फेस पैक की तरह लगाना है और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में जो आपके फेस में झाइयां हैं या आपके डार्क स्पॉट्स, काले दाग धब्बे हैं या पिंपल्स के मार्क्स हैं वो धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं और आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप दिन में ये फेस पैक लगाएं बेसन वाला और रात को आप एक लेव जो है आलू का स्लाइस ले पतला सा, उसको अच्छे से फोक से उसमें छेद कर दें और अपने डार्क स्पॉट्स पे अच्छे से रब करें और ये ओवरनाइट यानी कि पूरी रात ऐसे रख दें। आप चाहें तो जो आलू का स्लाइस है वो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, उसका कोई हार्म नहीं होगा। इनफैक्ट आपके जो फेस है वो काफ़ी ब्राइटन होगा, लाइटन होगा। तो दिन में आपको ये फेस पैक लगाना है और रात को आपको आलू की स्लाइस का जो जूस है, चाहे आप जूस निकाल लें या आप उसको डायरेक्टली अपने फेस पे ऐसे आलू की जो स्लाइस को रब कर लें, आप ये देखेंगे कि आपके डार्क स्पॉट्स और जो आपके झाइयां हैं वो धीरे धीरे हल्की हो रही हैं। तो आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। सो आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियोज फर्स्ट टाइम। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नई DIY, नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।